जी यहाँ खिपरो में भी जश्न आज़ादी के हवाले से जो है भरपूर तैयारियाँ इस वक्त जारी है। यहाँ पर खरीदारी के लिए जो पूरे शहर में जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में झंडे बेजिस और मुख्तलिफ जो है 14 अगस्त के हवाले से जो है खरीदारी की इस वक्त जारी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खरीदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उन लोगों की किस तरीके से ये खरीदारी जारी है। इंशाल्लाह 14 अगस्त का दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे, इंशाल्लाह झंडियाँ लगाएंगे, अपने घर को सजाएंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क हमारे को बड़ी कुर्बानियों से मिला है, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे पाकिस्तान। क्या क्या खरीदा आपने 14 अगस्त के हवाले? हम लोग ने बच्चों के लिए खरीदे पाकिस्तान के झंडे के लिए, और हम भरपूर से आज़ादी का दिन है, आज़ादी बनाएंगे और पाक फौज को भी हम सलाम देंगे। अच्छा है और पाकिस्तान का दिन है वो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा दिन है। किस तरीके से मनाएंगे आप? बहुत खुशी से मनाएंगे। क्या क्या खरीदा आपने? हमने बाजे खरीदे, टोपी खरीदी है, चश्मा खरीदा है, बहुत चीज़ खरीदी है, झंडे खरीदे, बहुत चीज़ें खरीदी है। बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले साल से बहुत अच्छा काम है और लोगों में बहुत जज्बा है और आने वाले वक्त में मतलब इससे भी ज़्यादा बढ़कर होगा और लोग बहुत ही दिलो जज्बे से मतलब खरीदारी कर रहे हैं और माल बहुत सस्ता है। जी बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किलों से वतन हासिल किया था, आज़ादी हमको मिली है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किलों से यह हासिल किया है। हम बिल्कुल भरपूर तरीके से पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मनाए गए जश्न आज़ादी, तो हम ये चाहते हैं कि बड़े दिलचस्पी से खुशी से बच्चों के साथ फुल जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमें बस डेली इसी दिन का इंतजार रहता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने मुल्क के लिए करो, अपने मुल्क के लिए दुआएं करो, खुश तरक्की और खुशहाली करें कि हमारा मुल्क और भी तरक्की करे। इंशाल्लाह तकरीबन खरीदारी की है, बेज वगैरह खरीदा है, टोपी है, और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मुल्क से वफादार हो और जितना हो सके मुल्क के लिए करो, क्योंकि जितना आप करोगे उतने सवाब मिलेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, आप अच्छी मना रहे हैं, इंशाल्लाह मनाएंगे अच्छी। आपने यहाँ पर खरीदारों की बातें सुनने को यही कहना है कि जश्न आज़ादी जो हमारे लाखों बुजुर्गों ने जो है कुर्बानी देकर जो इस मुल्क को हासिल किया है, इस वजह से हम ये जश्न आज़ादी का दिन जो है इससे ही बढ़कर इसको मनाएंगे और भरपूर इस वक्त जो है हमारी तैयारियाँ जारी हैं। कैमरा मैन अब्दुल रज़ाक, कोहिनूर न्यूज़ के प्रो।